तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। काफ़ी वक्त पहले अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जनाब दो या तीन आदमियों को फांसी की सज़ा हो गई, 8-10 साल केस उनका चलता रहा। 8-10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये बेगुनाह हैं, इनको आज़ाद किया जाए। हमारी फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए कि कौम के आवाम के फायदे के लिए सोचें और काम करें। आप लोगों की सबकी मेहरबानी, आप लोग दूर से आए, और दूसरा ज़्यादा मैं तकरीर कर भी नहीं सकता, तकरीर मुझे आती नहीं। 8-10 महीने से ज़्यादा नहीं चलना। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है उससे क्या हुआ है? इधर बैठे हुए यही जज लीगल कवर देंगे। तो हालात अच्छे नहीं हैं। अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज्जत से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ, जे आई हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और मजीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिलके उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जहां तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूं, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमत ने चलना ही नहीं है। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है उससे क्या हुआ है? उससे हुआ यह है कि जो मिडिल क्लास थी वो खत्म होती जा रही है। अब इस इलेक्शन के बाद आप देखो महंगाई आसमान पे जाएगी। अब जब महंगाई जाएगी तो आपका मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। माशरे को अमीर आदमी नहीं चलाता, न गरीब चलाता, माशरे को मिडिल क्लास चलाता है। जब मिडिल क्लास खत्म हो गया तो आपका माशरा खत्म हो जाएगा। तो खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए, यही जज लीगल कवर देंगे। तो हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरा, मेरे दोस्तों ने कहा कि जी हम बायकॉट करें इलेक्शन। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल लड़ें। अगर नहीं लड़ते इलेक्शन तो हम कैसे इन लोगों को एक्सपोज करेंगे? अगर कुछ दोस्तों के कहने पे हम बायकॉट करते तो ये लोग एक्सपोज ही नहीं होते। अब इतने बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? क्योंकि सारे इलेक्शन फ्रॉड पे थे, रिजल्ट पहले बिके हुए थे। तो इंशाल्लाह देखें, खुदा अच्छा करेगा, खुदा ताला आप लोगों को, इस मुल्क को, हमारी फौज को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और हर आफत आजमाइश तकलीफ दुश्वारी से पनाह में रखे। हमारे जजों को, हमारी फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए कि इस कौम के, इस आवाम के फायदे के लिए सोचें और काम करें। आप लोगों की सबकी मेहरबानी, आप लोग दूर से आए, और दूसरा ज्यादा मैं तकरीर कर भी नहीं सकता, तकरीर मुझे आती नहीं। मेहरबानी, खुदा आपको। सिर थपा जो जानू दे ई हो दिल सा गड बेही जान वतन का नाहे प्यारी जान वतन का नाहे प्यारी है बात है तेरी दासी।
पसारी सिंधड़ी सारी जो आना रो सूरह पाछा जिंदाबाद सिंधड़ी सारी पसारी सिंधड़ी सारी जो आना रो सूरह पाछा जिंदाबाद आला हजरत पीर पगारो आला हजरत पीर पगारो।